लेकिन उन्होंने बैकडोर से वो ऑडियंस को लेके आए हैं। मुझे मालूम नहीं क्यों इतना अर्जेंसी है, हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। लोगों को कहेंगे कि किस मकसद से लेके आए, क्यों डराने के लिए, धमकाने के लिए, एक कम्युनिटी को टारगेट करने। और अगर हमें गवर्नर से मिलना है तो हम गवर्नर को भी मिलेंगे। तंदीदारो अदन कांग्रेस पक्ष खंडस्ती ऑडियंस बंदरू कूड़ा मत सदन के तरबे आगे। और इन्होंने प्रूव कर दिया है कि दे आर एंटी फार्मर एंड एंटी पुअर। रेलवे बिक गई, BSNL बिक गया, एयरपोर्ट्स बिक गए, पता नहीं और क्या क्या बिकने वाला है। अल कबीर का एक्सपोर्ट कौन है? अग्रवाल। मुसलमानों के नाम पर एक्सपोर्ट चलता है, जारी है, तो बताइए। हमने पूरी कोशिश की इस बिल को काउंसिल में ना पास किया जाए, या हमारे साथ में नारायण स्वामी जो चीफ भी यहाँ है साथ में, पूरी लड़ाई हमने लड़ी कि बिल को लेके नहीं आना चाहिए, लेकिन वो बिल लेके नहीं आए। वो हम सोच रहे थे कि अगले असेंबली में ज्वाइंट सेशन जब था उसमें डिस्कशन होगा, लेकिन उन्होंने बैकडोर से वो ऑडियंस को लेके आए हैं। मुझे मालूम नहीं क्यों इतना अर्जेंसी है, सिर्फ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सिर्फ लोगों को कन्फ्यूजन करने के लिए। ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये बिल जो लेके आए हैं, ये कंप्लीट पूरे फार्मर्स को अफेक्ट होता है, बहुत लोगों को इसमें अफेक्ट है, उनके लाइवलीहुड हो जा चला जाता है। इसलिए जो है हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। क्या करेंगे सर, किस तरह अब की लड़ेंगे? क्योंकि अभी तो ये ऑडियंस लेके आए हैं, दोबारा इसको बिल दोबारा असेंबली में लेके आना चाहिए। उस टाइम पे हमारे जो स्टैंड है वो क्लियर, हम लड़ाई लड़ेंगे। उसके बावजूद आज पूरे स्टेट में हम इसके बारे में, क्योंकि ये सिर्फ ये जो बिल लेके आए हैं जो बैकडोर से ऑर्डिनेंस की तरफ से, उसके खिलाफ हम लोग लोगों को कहेंगे कि किस मकसद से लेके आए, क्योंकि 1964 ऑलरेडी एक एक्ट था उसके, लेकिन उसमें कुछ डिवीजन ला के और डराने के लिए, धमकाने के लिए, एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए उन्होंने इस बिल को लेके आया है। इसकी हम भरपूर खिलाफत करेंगे। अब हम पार्टी के लीडर्स आज ही जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, हम लोग मिलेंगे कि क्या रणनीति हमें करना है, किस तरह इसको इशू को लेके जाना है। और अगर हमें गवर्नर से मिलना है तो हम गवर्नर को भी मिलेंगे। उसके बाद भी हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट है वो भी किस तरह हम लीगली हम फाइट कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। लेकिन हमने कहा है हमारी जब भी हमारी सरकार आएगी ये सारा जो बिल्स हम विड्रॉ करेंगे। योर ओपिनियन सर ऑन दिस ऑर्डिनेंस। इवतेनो BJP सरकार कानूनु बाहिरवागि गो मसूदे विरुद्धवागि ऑर्डिनेंस तंदिदरो ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರುಗಳು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವತ್ತು ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಆ ಬಿಲ್ಲು ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಯ ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ನ ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದಂಥ ಕಾನೂನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸದನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸದನಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾ ಕರೇಗಿ ಅಬ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಕ್ಯಾ ಖಾಮೋಶ್ ಬೈಠೇಗಿ, ಕಿಸ್ ತರಹ ಇಸ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ಗೆ ಖಿಲಾಫ್ ಆವಾಜ್ ಉಠಾಯೆಂಗೆ ಆಪ್ ಲೋಗ್? ಕೋಯಿ ಭೀ ಐಸಾ ಮುದ್ದಾ ಜಿಸ್ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾ ರಹಿ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಮದ್ದೆನಜರ್ ರಖ್ತೆ ಹುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಭಿ ಭೀ ಖಾಮೋಶ್ ನಹೀ ಬೈಠಿ ಔರ್ ನಾ ಹೀ ಬೈಠೇಗಿ. इनको दूसरा कोई रास्ता नहीं था ऑर्डिनेंस लाने के सिवा. और इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि दे आर एंटी फार्मर एंड एंटी पुअर. ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट इसमें गरीब लोगों को होता है और किसानों को भी होता है. जैसा कि हमारे PCC के अध्यक्ष श्री DK शिवकुमार साहब ने कहा कि इनको बेसिक नॉलेज नहीं है. एंड दिस इज़ नॉनसेंस आई टेल यू. They should have discussed this thoroughly with all the opposition parties. They should have discussed it in the assembly. There was no need to bring it so soon. This is totally against the poor people and against the farmers. Sirf jo log khate hain unke khilaf nahi hai, unko takleef nahi hoti, balki kisanon ko bhi isme takleef hoti hai. Isliye ki kisan janwar palta hai. Jab janwar ki umar ho jati hai to wo kisi ko bech deta hai. तो ये साइकिल रुक जाएगी, इसमें किसान को भी तकलीफ होगी और गरीब लोगों को भी तकलीफ होगी. BJP पार्टी इज बीइंग अ थ्रेट टू द नेशंस बैकबोन, यानी पूरे फार्मर्स को. दो चार बिल ऐसे आ चुके हैं. यस 100% दे आर थ्रेट टू द होल नेशन. जिस तरह से गरीबी को निकालने के लिए काम करना था, या गरीबी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ अमीरों का साथ दे रहे हैं. जैसे कि अंबानी हुआ, अदानी हुआ, रेलवे बिक गई, BSNL बिक गया,
एयरपोर्ट्स बिक गए, पता नहीं और क्या क्या बिकने वाला है। और इन्होंने तो रेडफोर्ट भी गिरवी रख दिया, रेडफोर्ट से भी गिरवी रख के किराया ले रहे हैं। बात ये कही जा रही है कि अगर इनको वाकई बीफ बैन करना है तो पहले एक्सपोर्ट बैन करें, बीफ का एक्सपोर्ट बैन करें, क्या कर रहे हैं? जो एक्सपोर्ट जो बीफ का हो रहा है ये कौन लोग करते हैं ये पता करना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए जनता को। अल कबीर का एक्सपोर्ट कौन है? अग्रवाल। मुसलमानों के नाम पर एक्सपोर्ट चलता है मगर दूसरे गांव में लोग करते हैं। मुझे लगता है इसके लिए भी कुछ कानून लाना चाहिए सरकार को, ऐसे लोगों को अंदर बंद कर देना चाहिए। उन लोगों को एक्सपोर्ट करने का भी कोई, बिजनेस करने का भी कोई हक नहीं पहुंचता। सरकार बीजेपी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के लिए मंजूरी दी है। बीफ का गोश्त आज नहीं खाने से मुल्क के महंगाई तरफ खींचे जाएगा, अल्पसंख्यक और दलित वालों को बहुत परेशानी होगी। आज बीफ का एक्सपोर्ट वो लोग जो कर रहे हैं जिन्होंने आवाज़ उठा रहे हैं, इससे मुल्क का नुकसान होगा। हिंदू मुसलमान करके इनको वोट लेना है, बस इनका मकसद वही है और कोई मकसद नहीं है। तरफ वोट लेने का ये मंसूबा बना रहे हैं। हम इतने सालों के बाद भी आज यही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं ये अपील करता हूँ कोई भी सरकार हो इसे हमेशा मुल्क की तरक्की के लिए आम करे, इन बातों पर सियासत ना करें।